हरि ओम, स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। तो आज फिर लघु सिद्धांत कौमुदी को आगे बढ़ाते हैं। उसमें अभी तक पढ़ते हुए हमने अच संधि, हल संधि, ये दो संधियों के प्रकारों को पढ़ लिया है और विसर्ग संधि में भी कुछ चार पांच सूत्रों का अध्ययन कर लिया है। विसर्ग संधि में हमने जो अंतिम सूत्र पढ़ा था वह अंतिम सूत्र था हशिच, और उससे पहले सूत्र पढ़ा था अतो रोर प्लुताद प्लुते, अतो रोर प्लुताद प्लुते। दोनों सूत्रों के सार को यदि बताया जाए तो उन दोनों के सूत्रों के सार में यह था कि पहले होना चाहिए अ, उसके बाद होना चाहिए रु, उसके बाद फिर होना चाहिए अ। तो अतो रोर प्लुताद प्लुते से रु के स्थान पर उ हो जाता है, और पहले होना चाहिए अ, उसके बाद होना चाहिए रु, उसके बाद होना चाहिए हश। तो हशिच सूत्र से रु के स्थान पर उ हो जाता है, ठीक। ये दोनों नियम हमने पढ़ लिए थे। तो कहीं भी आपको विसर्ग जो दिखाई पड़ता है शब्द का अंतिम वर्ण, उस विसर्ग को विसर्ग न दिख करके, वो विसर्ग न दिख करके कहीं भी आपको ओ दिखाई पड़ता है, रामो राजमणि, ठीक, रामो राजमणि। तो ऐसे रामा था वो रामो बन गया ना, मूलता राम रू था, रू का ऊ बचा, ऊ का गुण हो गया रामो राजमणि। तो देवो हसति बालको गच्छति, ऐसा कोई भी आपको ओ दिखाई पड़ेगा तो इतना निश्चित आप रखिए कि उस ओ के पहले या तो अ रहेगा या तो हर्ष रहेगा, ठीक है। तो रू के स्थान पर ऊ होगा, ऊ को ओ बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं वह सूत्र उसी से थोड़ा सा संबद्ध है पर काम थोड़ा सा अलग करता है। देखिए यह सूत्र है भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि। अब देखिए भो पूर्वक, भगो पूर्वक, अघो पूर्वक और अपूर्वक रू के स्थान पर यह हो जाता है, ठीक। योषि ये क्या कहता है, भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि, यानी भो पूर्व में हो, भगो पूर्व में हो, अघो पूर्व में हो, ऐसे रू के स्थान पर यह हो जाता है। ध्यान से इसको नंबर को देखिएगा, नंबर देख लीजिए और इस प्रसंग को आप अष्टाध्यायी में निकाल लीजिए। 8:3:17 निकालेंगे तो इससे पहले कहीं आपको रू का प्रसंग चलता हुआ आएगा, दिखाई पड़ रहा है कहीं, क्या है, रो सुपी है, हाँ वहां से रो की अनुमृति आ रही है ना, तो रो सुपी नहीं है, वो रो सुपी से पहले बाद में भी रो सुतिपी तो रेफ करता है और उसके बाद है रोरी के बाद भी और कुछ है, ऐसा कैसे चलेगा, अभी देख लेते हैं। 8वें अध्याय के 3रे पाद में उतना नहीं सूत्रों का क्रम ध्यान है पर फिर भी देख लेते हैं, मिल जाएगा। यहां प्रसंग है रू का, ठीक है, रू के स्थान पर हो जाता है य। शर्त क्या है, भो भगो अघो अपूर्वस्य। कुछ कुछ इस सूत्र में भी आपको कंफ्यूजन होगी इस सूत्र में भी कि भाई भो और भगो, भगो के बाद अघो, तो भगो में रहा ओ और उसके बाद अघो का अ, तो ओ के स्थान पे जो ये वाया वहां से अव क्यों नहीं हुआ, तो भो भगो अघो अपूर्वस्य। अब देखना है आपको तीन चीजें देखनी है,
इसमें से ज्यादातर उदाहरण आपको ये तीन जो चीज दिए हैं, इन तीनों चीजों के तो एक एक ही उदाहरण मिलेंगे, भो भगो अघो, एक का एक उदाहरण दिखाया जाएगा। पर अपूर्वस्य वाली बात को बहुत गहराई से लीजिएगा, क्योंकि वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, बहुत काम आएगा। भो भगो अघो अपूर्वस्य योशी में जो आ रहा है, आठ तीन सोलह नंबर सूत्र है ना, रोह सुपी, हाँ रोह सुपी, हम रोह सुपी को रो असुपी समझ रहे थे, रोह सुपी एक सूत्र है, आप सब लोग रोह सुपी बोल रहे थे, हम रो असुपी समझ रहे थे, ये वाला सूत्र समझ रहे थे, ठीक है, ये अलग है, ये र करता है, रोह सुपी से रोह की अनुवृत्ति आती है, ठीक। ऊपर देखिएगा, यहां एक रोह की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक। अब देख लीजिए, इस सूत्र का अर्थ आप समझ जाइएगा, संहिता का प्रसंग चल रहा है, संहिता के कई अधिकार हैं, संहिता का भी प्रसंग चलता है ना, संहिता का विषय हो, ठीक, तो संहिता के विषय में भो भगो अघो और अ चार चीजें, भो भगो अघो अ, ये चारों चीजें जिसके पूर्व में हो, ठीक, भो भगो अघो और अ, ये चारों जिसके पूर्व में हो, ऐसे रू के स्थान पर यह हो जाता है यदि उस रू के पर में अश हो तो। अब देखिए, अशी में सप्तमी विभक्ति लगी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रोह में षष्ठी लगी है ना, जो अनुवृत्त होकर आ रहा है उस रोह में षष्ठी लगी है, और भो भगो अघो पूर्वस्य में षष्ठी लगी है, ठीक। तो कार्य जो होगा वह किसके स्थान पर होगा, रू के स्थान पर होगा, कैसे रू के स्थान पर होगा, जो रू भो पूर्वक हो, अघो पूर्वक हो, भगो पूर्वक हो, अपूर्वक हो, तात्पर्य मैं चारों का लिख दूं, ऐसा हो भो हो उसके तुरंत बाद रू आ जाए, भगो हो उसके तुरंत बाद रू आ जाए, अघो हो उसके तुरंत बाद रू आ जाए, ठीक, और अ हो उसके तुरंत बाद रू आ जाए, ठीक, झगड़ू नहीं, भोर भगोर अघोर और अरु, अ अ अंत आता हो, यह अ अ यहां अत नहीं कहा गया है और अ का विधान नहीं किया जा रहा है, अविधीय मान है, तो अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा, अपने सवर्ण का ग्रहण करेगा, आ भी हो तो भी चलेगा, पुलुत नहीं होना चाहिए, पुलुत में तो संधि का कार्य नहीं होता, पर आ रु हो तो भी काम चल जाएगा, ठीक। तो ऐसे रु के स्थान पर जो रु भो पूर्वक हो, यानी भो रु, या भगो पूर्वक हो ऐसा हो, या अघो पूर्वक हो या अपूर्वक हो, ऐसे रु के स्थान पर यह हो जाता है, कब, यदि रू के तुरंत बाद में अश हो तो, ठीक। इसके बाद क्या होना चाहिए, अश, अश क्या होता है जानते हैं, अश जी को कौन कौन पहचानता है, ठीक। इस सूत्र को यदि दूसरे तरह से मैं समझाना चाहूं तो इसको ले लेता हूं और यहां पर समझाता हूं, एक बार देखिएगा, स्थिति यह होनी चाहिए, पहले क्या हो, भो हो या भगो हो या अघो हो या अ हो या आ हो, ठीक, ये पहले होना चाहिए, कश्चित कीटा, तो ये चारों होने चाहिए पहले, कोई भो भगो अघो अपूर्वस्य, और होना क्या चाहिए, बीच में रू,
ये तो थोड़ा सा, ये 2-3 दिन इनको चलाया नहीं गया ना, तो इसमें कुछ कुछ चिपका हुआ है, इसको बढ़िया से एक बार सफाना पड़ेगा। तो अच्छा क्या हो, ये भूल जाते हैं कि हमको लाल कलर से लिखना है, रू होना चाहिए ठीक, और बीच में होना चाहिए रू, उसके बाद होना चाहिए अश ठीक। तो पहले इन, ए प्रभु कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं कोई कीट बैठा है वही गड़बड़ कर देता है। ये देखिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले ठीक से देखिएगा, शुरुआत में होने चाहिए चार, बीच में होना चाहिए रू, और बाद में होना चाहिए अश। तो इस रू जो ये दिखाई पड़ रहा है, इस रू के स्थान पर आ जाता है, ये अपने आप कलर बदल बदल के लिख रहा है, लिखने दीजिए ठीक है। यही इस पूरे सूत्र का मतलब है ठीक। यानी भो रू हो और उसके बाद अश हो, तो भो रू ना रहकर भो यह बन जाता है ठीक। भगो रू हो उसके तुरंत बाद अश हो, तो भगो रू ना रहकर भगो यह बन जाता है ठीक। अघो और रू हो, अघोधन रू हो और उसके बाद में अश हो, तो अघो रू ना रहकर अघो य बन जाता है ठीक। और अ या आ के बाद रू हो और उसके तुरंत बाद अश दिखाई पड़ता हो, तो रू ना रहकर य बन जाता है। अब एक दिक्कत पड़ती है, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपने हसीच पढ़ा है क्या? हसीच अभी पढ़ा है ना, तो हसीच में और इसमें थोड़ा ध्यान देकर अंतर देख लीजिए। मैं इसको तनी छोट कर देता हूं और फिर हसीच लिखकर उसके क्षेत्र को दिखाता हूं आपको कि क्या हो जाता है। देखिए, आपने देखा था हसीच का मतलब क्या, हम ये कभी कभी कलर बदलते हैं तो हम करिए से लिखेंगे, अ धन रू धन हश, ऐसा ही पे ही तो हसीचा लगता है ना, हसीचा ऐसे पे ही तो लगता है। अ हो रू हो फिर हश हो ठीक है, अ हो रू हो और उसके बाद हश हो ठीक। अब आप दिखाइए, यहां भी अ है रू है अश है, तो भी तो हश है, क्योंकि जो अश है वह हश भी है, नहीं जो जो हश है वह अच भी है। हश के अंदर हया वारा ला यमगाना ना झभ ध, ये 20 अक्षर आते हैं, पर अश में तो 29 आते हैं, भी एक्स्ट्रा ही आते हैं, तो अश के अंतर्गत हश आ जाता है। तो यदि आ रू और अश यानी हश है, अगर हश है तो हसीच सूत्र इस नियम को रोक ले जाएगा, तो ऐसी स्थिति में हसीच हसीच नियम ही लगेगा। यानी यदि बाद में, ए प्रभु काहे गड़बड़ होते हो कभी कभी, ये हमारी बात नहीं मानते हैं, तुरंत बाद में ये जो अश आपको दिखाई पड़ रहा है ना, यह अश ना होकर यदि यह क्या है, हश है, अश ना होकर यदि यह हर्ष है, तो यहां ह्रस्व अ ही है, यदि ह्रस्व अ रू और हर्ष है तब हसीच ही लगेगा ठीक, तब तो हसीच ही लगेगा। पर ह्रस्व अ और रू, रू के बाद अश, अश मतलब अ ई उ ऋ ल ए ओ ऐ औ इतने, क्योंकि हया वारा ला आ जाएगा, तब तो रस के बाद रू के बाद हया वारा ला आने लगेगा, यमगणना झभगढ़ झभगढ़ आने लगेगा, तो हसी चल लग जाएगा। पर रस अ रू अ इउ रि ल ए ओ ऐ औ इतने हैं, तब तो भो भगो अघो पूर्व सी ओ सी लगेगा ठीक।
और दीर्घ आ, अगर दीर्घ आ गया तब तो हसी च की बारी ही नहीं आएगी, क्योंकि हसी च तो दीर्घ आ के बाद लगता नहीं है ना। तो ह्रस्व आ होने पर भी कब हसी च लगेगा और कब भो भगो अगो पूर्व सी योशी लगेगा, यह ध्यान रखिएगा। हसी च ह्रस्व आ पहले हो, फिर रू हो, फिर उसके बाद आया वारा ला यमगणना हस हो, तब हसी च ही लगेगा। पर ह्रस्व आ रू उसके बाद आई उ रि ए ओ आई औ यतना है तब तो ये भो भगो अगो पूर्व सी योशी लग जाएगा। ठीक है, मतलब ये बाध्य बाधक भाव समझिएगा, क्योंकि हसी च कम की अपेक्षा रखता है इसलिए हसी च को वरीयता दी जाएगी। ठीक है, तो अब उदाहरण से इसको समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण ये है, ये तीन निपात है, हम इसको तनी इधर से हम लाल कर देते हैं। ठीक, एक ऐसा निपात है भोस निपात है सामुख्य करने के अर्थ में, और इसके तुरंत बाद है मान लीजिए थोड़ा सा और छोटा लिखते हैं, एक साथ लेके चलते हैं भो भगो अघो तीनों को एक साथ लेके चल देते हैं, फिर अ को एक उदाहरण ले लेंगे, है भोस धन देवा। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, भगोस धन याही, ये याही। ठीक है, और फिर इसके बाद तीसरा उदाहरण ले लीजिए, अघोष नमस्ते, यही तीन उदाहरण दिए ना भो भगो अघो पूर्वसी योशी में, इसके बाद आगे आपको हलि सर्वेशाम में मिल जाएगा उदाहरण। ठीक, भोस देवा अघोष याही और भगोस याही और अघोष नमस्ते। ठीक है, यही है कि कुछ दूसरा है, यही है, चलेगा, कुछ दूसरा होगा तो क्या दिक्कत है, ये तीनों तो बनेंगे ही, हम बना रहे हैं तो बनेंगे, जो बनाते हैं वो बनता है। अब देखिए यहां पर आपको कुछ याद आ रहा है, भोस भगोस अघोस ये तीनों शांत निपात है, क्या है शांत। अब शांत का मतलब वो जो चुपचाप रहता वो वाला शांत मत लीजिएगा, जिसके अंत में स है ऐसा इसको कहा जाता है शांत। ठीक, स जिसके अंत में हो वह है शांत, तो स अंत वाला ये निपात है भोस भगोस अघोस, है कि नहीं। और जो निपात होता है स्वरादि निपातम अव्ययम, उससे अव्यय संज्ञा होती है, भोस भगोस अघोस इन सबका कुछ ना कुछ अर्थ है, तीनों का कुछ ना कुछ अर्थ है, अर्थ वाला जो कुछ भी होता है वह प्रातिपदिक होता है, उसका शब्द रूप चलता है, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक होता है, उसका शब्द रूप चलता है, सातों विभक्तियों में प्रत्यय लगते सु औजस अम औटस इत्यादि, जो प्रत्यय लगेगा क्योंकि यह अव्यय है उस प्रत्यय का लुक हो जाएगा, वह प्रत्यय लुप्त हो जाएगा, है ना। तो प्रत्यय लुप्त हो गया पर यह पद बन गया कि नहीं, यह एक पद है, भोस एक पद है, भगोस एक पद है, अघोस एक पद है। किसी भी पद के अंतिम में स दिखाई पड़ता हो तो आपको एक नियम आपने पढ़ा होगा, स सजुषो रुह पढ़ा है, तो वो भोस को स के स्थान पर कर देगा रू, कर देगा कोई दिक्कत, भो रू देवा। ठीक, यहां आप देख लीजिए भगोस जो था स के जगह पे हम कर देंगे रू, तो भगो रू याही। ठीक, और अघोष में जो स है उसके जगह पे जब हम रू कर देंगे तो हो जाएगा अघोर नमस्ते। ठीक है, यहां जो रू तीनों जगह दिखाई पड़ रहा है, तीनों जगह जो रू दिखाई पड़ रहा है उसमें से ऊ की उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा होगी, तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। या नियम कौन सा लगा ये आप शॉर्टकट में लिख लीजिएगा अपने पास, सस जुशो रूह, मैं तीनों एक साथ लगा बना रहा हूं, तीनों एक साथ बन जाएगा इसलिए। ठीक, तीनों जगह एक जैसा नियम लगेगा।
यहां तक पहुंच गए। अब आप बताइए तीनों जगह आपको रू दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, भले ही रू में से र ही बचा हो पर वो रहेगा रू, है ना। मान लीजिए अगले स्टेप में यहां पर र बचेगा, सच जिसो वो उपदेश जनवासी की से ऊ की संज्ञा होगी, तस्लोप असलोप हो जाएगा, भोर देवाह भगोर याही अघोर नमस्ते, ठीक है ऐसा हो जाएगा। तो यह जो र बचा है वह रू ही तो है, है ना। अब देखिए भो पूर्वक रू है कि नहीं, है। पहले हो भो, उसके बाद हो रू, उसके बाद हो अश, द अश में आता है कि नहीं, आता है ना। तो भो भगो अघो पूर्वशी उसी नियम लग रहा है कि नहीं, लग रहा है। तो रू के स्थान पर हो जाएगा य, भो य देवा, ठीक। यहां में देख लीजिए भो भगो अघो पूर्व सीओसी लग रहा है कि नहीं, भगो पूर्व में है फिर रू है फिर उसके बाद अश है, य या अश में आता है कि नहीं। आई उन से देख लीजिए अ ओ आई ओ आया वर ल यम गणा न झ झ घ, उसमें य दिखाई पड़ रहा है ना। तो ये रहा भगो, उसके बाद ये रहा रू, उसके बाद ये रहा अश। तो भो भगो अघो पूर्व सीओसी सूत्र से रू के स्थान पर हो जाएगा य, भगोय या, ठीक है। कोई दिक्कत? इसके बाद अघो रू के स्थान पर यहां भी हम करने कर दिए या, और फिर हो गया नमस्ते। नियम कौन सा लगा? भो भगो, ठीक, भो भगो डैश डैश करके आप लिख लीजिएगा, भो भगो भो पूर्व सीओ हो जाएगा। यहां तक पहुंच गए, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। तात्पर्य यह है या स्थिति समझिएगा, तात्पर्य ऐसा है कि पहले हो भो या भगो या अघो और उसके तुरंत बाद हो रू और उसके तुरंत बाद हो अश, तो रू के स्थान पर हो जाता है या, ठीक। पर भो भगो अघो ही नहीं होना चाहिए, अ भी होना चाहिए, अ रहे तो उसका भी उदाहरण अच्छा। अब इसके बाद क्या होगा वो अगला सूत्र समझने पर पता चलेगा, ठीक। तो इसको इतना तीन को यही अभी ऐसे रहने देते, लिखा रहने देते, अगला सूत्र जब पढ़ेंगे तो इसमें फिर आगे क्या होगा वो आपको समझ में आएगा। पर यहां भो य देवाह तक, अघो भगो य याही तक और अघो य नमस्ते तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मैं समझ सकता हूं, ठीक। भोस था, भगोस था, अघोस था, उसके तुरंत बाद आपको भले कुछ दिख रहा हो चाहे ना दिख रहा हो, पद का अंतिम वर्ण सा दिखाई पड़ रहा था तो ससजसो रू से उसको कर दिया रू, है ना। अब भो पूर्वक रू हो गया, भगो पूर्वक रू हो गया, अघो पूर्वक रू हो गया, हो गया। उस रू के तुरंत बाद यदि अश प्रत्याहार का वर्ण दिखाई पड़े तो रू के स्थान पर हो गया यश, भो या भगो या अघो बन गया, कोई दिक्कत। तो अब आगे चलते हैं, इसके बाद का सूत्र देखते हैं, प्रसंग क्या कह रहे। आप अपूर्वक वाला है ना, तो अपूर्वक वाला का उदाहरण क्या दिए हैं उस उदाहरण को देख लेते हैं। देवा इह दिया पहले, ठीक, पहले देवा इह दिया, उसको अ वाला उदाहरण दे देते हैं। भो भगो अघो वाला तो उदाहरण आपने देख लिया, अ वाला भी उदाहरण देख लेते हैं। मूलतः शब्द क्या है? देव, ठीक। उस देव शब्द के बाद प्रत्यय लगा है जस, ठीक। देव के बाद प्रत्यय लगा है कौन सा? सु और जस में से जस, ठीक। जस में से चुटू से जब ज की संज्ञा हो जाएगी तो बचता है अस, ठीक। देव अस प्रथमयो पूर्व सवर्ण से इस और इसका इसका इन दोनों में से पूर्व सवर्ण दीर्घ जब आ बच जाता है तो बन जाता है, क्या बन जाता है? देवास, देवास बन जाता है, ठीक। देव अस देवास बन जाएगा प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होने के बाद। अब इस देवास के बाद यदि
है इह, तो क्या हो, देवास के बाद क्या है, इह है, देवास इह। अब देवास स का अंतिम वर्ण पद, स पद का अंतिम वर्ण दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, दिख रहा है, कहीं भी शब्द का अंतिम वर्ण स दिखाई पड़ता हो तो ससजुषो, ससजुषो रू कर देगा, तो ये देवास को बना देगा देवा रू। किसी को अपने देवरू तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, देवा रू, ठीक है। और इह रू में से बचेगा र, देवार या इह। यहां तक पहुंच गए, पहुंच गए ना। अब देखिए यह जो रू है, यह जो रू है, यह रू अपूर्वक है कि नहीं, इस रू के पूर्व में आ है और उस रू के तुरंत बाद यह रहा अश, तो पूर्व में आ, बीच में रू, पर में अश, है ना। तो रू के स्थान पर यह होना चाहिए कि नहीं, भो भगो अघो अपूर्वशेयसी सूत्र के आधार पर रू के स्थान पर हो जाएगा यह। ठीक है, देवाय यह, इतना हो गया। इस को जोड़ करके यदि हम ऐसा लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, या और ई जुड़कर ऐसा ई बन जाएगा कि नहीं, है ना। और ह लिख दिया, ऐसा बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। देवास धन इह जोड़ने पर बन गया, देवास धन इह जोड़ने पर बन जाएगा देवा यह, देवा यह बन जाएगा। हाँ ठीक है, देवा यह तक बना लिया। अब देखिए यहां उदाहरण में एक और दिया है, देखिए क्या दिया है, क्या यहां देखिए, एक ये दिया है और ये वाला तो आपने बना लिया ना सबने, ये वाला बना है ना। अरे प्रभु लेखनी जी, ये सब का बन गया, अब ये वाला कैसे बनेगा, तनी वो बना देते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, लोपा शाकल्यस्य जी को किसने किसने पढ़ लिखा है, पढ़ लिया है, लोपा शाकल्यस्य जी को पढ़ा है इससे पहले, आए हुए हैं कि नहीं लोपा शाकल्यस्य, वो लोपा शाकल्यस्य क्या कहता है, जो कहता है मैं यहां लिख रहा हूं, पहले होना चाहिए अ अथवा आ, ठीक, उसके प्लस में होना चाहिए या अथवा वा, और उसके पर में होना चाहिए अश। अवर्ण पूर्वयो यवयो लोप वा अशि परे, लोप शाकल्यस्य नियम के आधार पर अवर्ण पूर्वक या अथवा वा हो, उसके पर में अश हो, तो उस य और व का शाकल्य ऋषि के मत में लोप हो जाता है। ठीक, तो शाकल्य ऋषि के मत में जब इस य का लोप कर देंगे हम, किसके मत में, लोपा शाकल्यस्य, देखे ये रहा अवर्ण, उसके तुरंत बाद ये रहा य, और उसके तुरंत बाद ये रहा इ अश, तो अवर्ण पूर्वक य मिल रहा है, इसलिए शाकल्य ऋषि के मत में जब इस य का लोप कर देंगे तो देवा यह भी बन जाएगा। ठीक, और जब शाकल्य ऋषि का मत नहीं लगेगा या बचा रह जाएगा तो जुड़ करके ऐसा बन जाएगा। ठीक है, देवा यह, ठीक है, ऐसे ही बालका यह, बालका यह है ना, बनेगा कि नहीं। अथवा बालका इह बन जाएगा ना, बालकास धन इह, बालका इह, स को हो जाएगा यह, बालका इह भी बनेगा और बालका इह, ये भी दोनों बनेगा ना।
कोई दिक्कत नहीं, शाकल ऋषि के मत में विकल्प से जब यह का लोप होगा तो बालक का यह, जब शाकल ऋषि का मत नहीं लगेगा, लोप नहीं होगा यह का, तो बालक का यह, ठीक है देवा यह। ऐसे ही खाली देवा बालका नहीं, कोई भी शब्द हो उस शब्द में आ के पर में रू हो और उसके पर में अश हो, तो रू को होगा पहले यह भो भगो गो पूर्व सियोसी, और उस या का लोप हो जाएगा शाकल्य के मत में, लोप नहीं भी होगा शाकल्य से भिन्न लोगों के मत में, ठीक है। एक आध उदाहरण और दे देते हैं, यह हाँ कभी कभी बहुत सारे श्लोकों को पढ़ते पढ़ते कभी कभी आता रहता है प्रभव इति, हाँ ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। एक पेज बढ़ाते हैं और दिखाते हैं, चलिए जैसे अपना ही उदाहरण ले लेते हैं, अरुण है ना, दिखाई पड़ रहे हैं, यहां प्रत्यय लगा है प्रथमा एक वचन का सु, और इति कर देते हैं या यह कर देते हैं, यह नहीं या हम यही तो हैं तो यह रहने देते हैं, है ना, वह नहीं जाने देते, सुप्रत्यय लगा है, सुप्रत्यय में से बचता है क्या, सुप्रत्यय में से हमेशा ऊ की इत संज्ञा हो जाती है और स बचता है अरुणस यह, यहां तक पहुंचेंगे है ना, स पद का अंतिम वर्ण बन गया, पद का अंतिम वर्ण बना ना स, तो स जुशो इस स को रू कर देगा, स जुशो रू कर देगा, कह देगा कि इसको रू कर दो, ठीक हो गया, और रू में से र बचेगा, तो अब देखिए ये रहा अ, अवर्ण अणा के बाद अ है ना, अवर्ण है उसके तुरंत बाद रू है, उसके तुरंत बाद अश है ना, अवर्ण है रू है अश है, तो भो भगो अगो अपूर्वस्य योशि, ये नियम लग जाएगा, हसीच नहीं लगेगा, अवर्ण के बाद रू होता फिर अ होता तब तो अतोरो रप्लता दप्लते लग जाता, अवर्ण के बाद रू होता और हस होता तो हसीच लग जाता, पर वो ना तो अतोरो रप्लता दप्लते लग पा रहा है ना तो हसी चलग पा रहा है, तो भो भगो अगो पूर्वस्य योशी से इस रू के स्थान पे हमने कर दिया या कर दिया ना, ठीक है, तो ऐसा वाला भी रूप बन जाएगा, ठीक बन जाएगा कि नहीं, और जब शाकल्य ऋषि के मत में इस या का लोप कर देंगे तो ऐसा भी बन जाएगा अरुण इति, ठीक है ऐसा भी बनेगा ना, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे मिलेंगे ना, कोई दिक्कत, एकाध उदाहरण और देख लेते हैं, हाँ अयोध्यायाः राजा दशरथ आसीत, दशरथ आसीत, अब देख लीजिए दशरथ तो दशरथ दंशु होता और उसके बाद आसीत का आ रहता, अतो रोर प्रताद प्रुते तो लग नहीं पाता क्योंकि वहां ह्रस्व अ की बात चलती है, दीर्घ आ जाता, जैसे उदाहरण दे देते हैं, अरे प्रभु काहे कभी कभी आप भुला जाते हो कि अब क्या करना है, अभून रिपो मुझे दशरथ वाला वो उदाहरण आ गया, भट्टी काव्य का उदाहरण श्लोक में खोज रहा था कि वहां कुछ मिल जाता, अभून रिपो विबुध शख परंतपह श्रुतान्वितो दशरथ इत्युदाहृत, मिल गया दशरथ इति,
दशरथ सू था, सू का हो गया था रू, सू का सब बचा था उसका रू हो गया, ठीक। और रू के स्थान पर हो जाएगा, रू के स्थान पर यह होगा कि नहीं, यह हो जाएगा तो दशरथ यह का लोप सकल लोप शाकल्य से शाकल्य ऋषि के बाद में जब विकल्प से लोप कर देंगे तो दशरथ इत्युदाहृत अभून रिपो विबुध सख परंतप श्रुतान्वितो दशरथ इत्युदाहृत गुणैर्वरं भुवन हितच्छलेन यम सनातन पितरमुपागमत स्वयं। ऐसा पहला भट्टी काव्य का। तो और बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते रहेंगे जहां आप देखेंगे कि विसर्ग होना चाहिए था पर लोपवा हो गया है, वहां आप ये जरूर देखिएगा कि उस रू आप मतलब विसर्ग की पूर्व अवस्था जो रू था उस रू के पहले कहीं आ तो नहीं है और पर में कहीं अश तो नहीं है, तो भो भगो भगो अपूर्व से उसी को आप पकड़ लेना है, ठीक है। ध्यान रहेगा कोई भी हो पहले अ आ भो भगो अघो इन पांचों में से कुछ हो, ह्रस्व अ या दीर्घ अ हो, भो भगो अघो इन तीनों में से कोई हो और पर में अश हो, बीच में रू हो, तो रू को हो जाता या और उस या का लोप शाकल्य से विकल्प से लोप हो जाता शाकल्य ऋषि के मत, ठीक है। स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब जरा सा यहां फिर से आ जाते हैं इस पुस्तक में, एतत् पूर्वस्य क्या लिखा है, एतत् पूर्वस्य मतलब ये तीनों जिसके पूर्व में हो, या तीनों नहीं है चारों, ये चारों भो भगो अघो और अ ये चारों जिसके पूर्व में हो ऐसे, इन चारों के पूर्वक जो रू है, इन चारों का पूर्वक जो रू है यानी इन चारों के बाद आने वाला जो रू है, भो के बाद आने वाला या भगो के बाद आने वाला या अघो के बाद आने वाला या अ के बाद आने वाला जो रू है उस रू के स्थान पर या आदेश, उस रू के स्थान पर यह का आदेश हो जाता है, यह हो जाता है कब, यदि अश से पूर्व में हो वह तो, यानी तुरंत पर में अश होना चाहिए। अशी में कौन सी विभक्ति लगी, सप्तमी, तो तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, जो भी कार्य होगा वह अश से पूर्व में होगा, ठीक है। तो अश के पूर्व में आने वाले रू के स्थान पर होगा, स्पष्ट है। अरे प्रभु मिटा करो, हाँ कभी कभी ये भूलते हैं। उदाहरण आपने देवा इह और देवा यह दोनों बना ली, ठीक, ये दोनों बना सबके मत में बन गया ना, और कुछ एक आध दो उदाहरण मैंने बना के दिखा दिए और बहुत सारे मिल जाएंगे। अब जरा इधर देखिए, भोस भगोस अघोस इति शांता निपाता, मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं, आप समझ चुके होंगे, पहले ही मैं उदाहरण लिखने से पहले बता चुका हूं। देखिए भोस भगोस अघोस ये तीनों शांत निपात है, शांत निपात मतलब ऐसे निपात जिसके अंत में स दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यह इतना लाइन आप समझ ही गए, ठीक है। तेषाम रोह यत्वे कृते, अब ये स अंत वाले निपात है तो स जसो रू से रू हो जाएगा, भोरु भगोरु अघोरु बन जाएगा ही, है ना। अब उस रू उनके उन तीनों के रू के स्थान पर जब यत्व कर देते हैं, यानी उन तीनों के रू के स्थान पर जब यह कर देते हैं, भोय कर देते हैं, भगोय कर देते हैं, अघोय कर देते हैं, तब क्या होता है, तो हलि सर्वेशाम नियम लगता है। तब कौन सा नियम लगता है, हलि सर्वेशाम, क्या कहते हैं कि हलि सर्वेशाम, ठीक, यह कहता है कि एक मिनट, इस हलि सर्वेशाम के प्रसंग को जरा देख लीजिए, प्रसंग को देखिए, प्रसंग का मतलब अष्टाध्यायी में जरा निकाल कर इसको देख लीजिए ना, ऊपर कहीं आपको कुछ काम का चीज दिखाई पड़ रहा होगा, लोप शाकल्य से दिखा, ठीक है,
लोपा शाकल्य से दिखाई पड़ा वो शाकल्य ऋषि के मत में लोप करता है। कब? लोपा शाकल्य से में आप देख रहे होंगे तो वहां अशी की अनुवृत्ति आती है, ठीक। लोपा शाकल्य से कहता है कि पहले होना चाहिए अवर्ण, मतलब में से कोई, उसके तुरंत बाद होना चाहिए अवर्ण के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, अवर्ण के बाद होना चाहिए य अथवा व, और उसके बाद होना चाहिए अश। तो लोपा शाकल्य से लगता है, पर हलि सर्वेशाम क्या कहता है, भो भगो अघो अपूर्वस्य, भो पूर्वक हो, भगो पूर्वक हो, अघो पूर्वक हो या अपूर्वक हो, जो या उस या का लोप कर देता है, यानी भो के बाद आने वाले या का, अघो के बाद आने वाले या का, भो भगो अघो, यह केवल अवर्ण होना चाहिए था। ये क्या कहता है हलि सर्वेशाम, कहता है भो भगो अघो ये तीनों में से कोई हो या अ हो, पहले होना चाहिए, उसके तुरंत बाद यह होना चाहिए, केवल यह, और उसके तुरंत बाद होना चाहिए हल, ठीक। तो भो भगो अघो या अ, उसके तुरंत बाद होना चाहिए य, और उसके तुरंत बाद होना चाहिए हल, यानी कोई भी व्यंजन वर्ण, तो उसका य का लोप हो जाता है। जरा यहां उदाहरण देखिए, पहले एक मिनट, भो भगो अघो अपूर्वस्य, यहां भी देख लीजिए सेम चीज दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना, भो भगो अघो पूर्वक, यानी जो ये सूत्र कह रहा था वही ये वृत्ति भी कह रहा है ना, यानी भो पूर्व में हो, भगो पूर्व में हो, अघो पूर्व में हो और अपूर्व में हो, जिस रू के, ऐसी की बात कर रहा था ये, वही बात ये कह रहा है कि जिसके पूर्व में भो हो, जिसके पूर्व में भगो हो, जिसके पूर्व में अघो हो, जिसके पूर्व में अ हो, ऐसे य का लोप हो जाता है, ऐसे यस्य लोपः हो जाता है, स्यात हो जाता है, कब, यदि पर में हल हो तो, हलि तुरंत पर में क्या दिखाई पड़ रहा हो, हल, ठीक है। जैसे भो देवा, अब वहां हम पहुंचे थे, भो देवा भगो नमस्ते अघो याही, ठीक, हमने यमस्ते और याही को उल्टा सीधा कर दिया है ना, अघो याही, भगो याही कर दिया और अघो नमस्ते कर दिया, पर कोई दिक्कत नहीं है, बाद में अश, वह में लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, पर चलिए देख लीजिए, यहां आ जाते फिर से, आई प्रभु दर्शन दीजिए, हाँ काहे नहीं आ रहे, इधर देखिएगा, अब देखिए, भो पूर्व किया है, भगो पूर्व किया है, अघो पूर्व किया है ना, इन तीनों के बाद देख लीजिए हल है, हल है, हल है, तो हलि सर्वेशाम कहता सबके मत में लोप हो जाता है, लोपा शाकल्य से केवल शाकल्य के मत में लोप करता है, हलि सर्वेशाम सबके मत में लोप कर देता है, यानी शाकल्य जी के मत में खाली होने की बात नहीं, ये सबके मत में लोप हो जाएगा यदि पर में हल दिख जाएगा तो, ठीक। तो और यहां भी देखिएगा, ये या का लोप हो जाएगा, तो भो देवा द को सुधार देते हैं, सुधर जा रहे, और भो देवा ये भगो नमस्ते और अघो याही, ऐसे कर लीजिएगा, ठीक, भो देवा भगो नमस्ते अघो याही, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो यह का लोप हो गया सबके मत में, हलि सर्वेशाम, हलि सर्वेशाम पहुंच समझ गए हैं, हलि सर्वेशाम तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, फिर से क्या नहीं समझे, हलि सर्वेशाम में कौन सी बात नहीं समझ में आई, हाँ दोनों में अंतर क्या है, लोपा शाकल्य से क्या कहता है, पहले अवर्ण होना चाहिए, ये कहता है पहले भो भगो अघो होना चाहिए,
देखिए लोपा शाकल्य से केवल अवर्ण की अपेक्षा रखता है, हलि सर्वेशम भो भगो अघो और अवर्ण चारों की अपेक्षा रखता है। ठीक, ये इतना अंतर। लोपा शाकल्य से कहता है कि उसके तुरंत बाद रू हो, हलि सर्वेशम भी कहता है उसके तुरंत बाद रू हो, ये एक समानता। ठीक, और लोपा शाकल्य से कहता है तुरंत बाद में अश होना चाहिए, हलि च कहता है, हलि सर्वेशम कहता है नहीं हल होना चाहिए। देख लीजिए दोनों में अंतर यह है, यहां पर मैं फिर से लिख के दिखा देता हूं लोपा शाकल्य से और उसका अंतर। देख लो ये है लोपा डैश डैश मतलब शाकल्य से आप समझ जाना, और ये है हलि। ये क्या कहता है, ये पहले ये कहता है अवर्ण हो, क्या हो प्लस या प्लस या अथवा वा, ठीक, और प्लस अश। तो ये करता क्या है, विकल्प से लोप, यानी साकल्य ऋषि के मत में ही लोप करता है। ठीक, लोपा शाकल्य कैसे करता है लोप, विकल्प से करता है केवल शाकल्य ऋषि के मत में। ठीक है, और हलि सर्वेशम कहता है पहले हो, इसके हिसाब से पहले भो हो, भगो हो, अघो हो या अवर्ण हो। ठीक है, और उसके तुरंत बाद केवल यह हो, यह केवल यह का लोप करता है। ठीक, और उसके तुरंत बाद होना चाहिए हल, तो सर्वथा लोप मतलब सबके मत में लोप करेगा। ठीक, कैसे लोप होगा, सबके मत में लोप, ऐसे लिख दे शॉर्टकट में, सबके मत में लोप। दोनों में अंतर स्पष्ट है, तो भो देवा भगो नमस्ते अघो या ही, यहां इन सभी जगहों पर लोपा शाकल्य से नहीं लग रहा था, क्योंकि लोपा शाकल्य से के लिए पूर्व में अवर्ण होना चाहिए, भो भगो अघो में अवर्ण नहीं है। ठीक है, तो वहां हलि सर्वेशम की ही आवश्यकता है। भो देवा अघो नमस्ते और भगो नमस्ते और अघो याही में आप देखिए, यहां पर इस स्थिति में ध्यान देना, पहले होना चाहिए अवर्ण तब रू तब अश, तब तो लोपा शाकल्य से लगता, यहां अवर्ण तीनों जगहों पर नहीं, इसलिए हलि सर्वेशम की आवश्यकता है। पहले हो भो भगो अघो या अवर्ण, उसके तुरंत बाद हो य और उसके तुरंत बाद हो हल, तो सबके मत में उस या का लोप हो जाता है, सबके मत में लोप हो जाता है। हलि सर्वेशम का इतना ही तात्पर्य है। ठीक है, अब भो देवा अघो नमस्ते, ऐसे भो के सिवाय भो राजाना होता तो भी चल जाता, भो भो राजाना ऐसा उदाहरण मिलता है, भो जना भो महापुरुषा ऐसे कह सकते। ठीक, भगो भगो नमस्ते, भगो मतलब भागने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, भगो भगो नमस्ते जो कह रहे थे, भगो अच्युता ऐसा कह देते, भगो अच्युता भगो अरुण। ठीक है, और यहां दिया होगा नीचे अर्थ दिया होगा, निपात का निपातों के अर्थों के बारे में मैं नहीं सोचा, अभी देख लेते हैं। ठीक है, और उसी तरह अघो के साथ आप अघो या ही कह रहे थे ना, उसके जगह अघो रावणा कह देते, या के जगह र कह देते, अघो वलिष्ठा वो या वरिष्ठा अघो वरिष्ठा ऐसा कर देते, कोई दिक्कत, तुरंत बाद में अश होना चाहिए। ठीक है, तो काम चल जाए, अश होना चाहिए, अश का मतलब खाली यह ही नहीं होता, सभी कोई भी वर्ण होते। ठीक है, तो ऐसे अनेकों उदाहरण बन सकते हैं, चलेगा, तो इनको निपटा दें। जरा यहां देखिएगा फिर से, हमने अब तक जो दो सूत्र देखे
हमने अब तक जो दो सूत्र देखे, एक तीसरा भी देखेंगे भी रोज सुपी तक। यह कहता है पहले भो हो या भगो हो या अघो हो या आ हो, और उसके तुरंत बाद हो रू, ठीक उस रू के स्थान पर हो जाता है। यह कहता है पहले हो भो या भगो या अघो या अ, उसके बाद आने वाला जो इस सूत्र से आया हुआ है यह, उसका लोप हो जाता। यदि हल हो तो सबके मत में हलि सर्वेशाम, ठीक है, सबके मत में लोप हो जाता है, और यदि हल नहीं है तो केवल शाकल्य ऋषि के मत में लोप होगा, ठीक है। स्वर वर्ण रहने पर केवल शाकल्य ऋषि के मत में होगा, दोनों तरह का रूप मिलेगा, देवाई है देवाई है की तरह, और जब हल रहेगा तुरंत बाद में, ये नहीं है भगोस, ये क्या कहते हैं ये देवा है नमस्ते है या ही है, तुरंत बाद में व्यंजन है, तब सबके मत में लोप होगा, ठीक है। इतने तक उदाहरणों में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब आ जाते हैं आज का ये अंतिम सूत्र देख लेते हैं, रोसुप रोसुपी। यह कहता है देखिए एक इसके प्रसंग को निकाल लीजिए, रोसुपी के प्रसंग को निकाल ही लीजिए, देख लीजिए क्या दिक्कत। देखिए जब भी ये सूत्र आए ना, कोई भी सूत्र, तो अष्टाध्यायी में जरूर देखना चाहिए, ठीक है। अष्टाध्यायी में जरूर एक बार देख लिया करें रोसुपी। यहां आप देखेंगे तो 8.2.68 नंबर सूत्र से अहन की अनुवृत्ति आती तुरंत पहले, है ना, और 8.1.16 से पदस्य की भी अनुवृत्ति आ रही होगी, है ना, और पूर्वोत्तरा सिद्धम की बात तो चल ही रही है, ठीक है। तो तात्पर्य यह है यहां देखिएगा, हाँ अहन की अनुवृत्ति आ रही है ना, अहन होना चाहिए, ठीक, अहन के स्थान पर, अहन के स्थान पर र हो जाता है, क्या हो जाता है र, अहन के स्थान पर क्या हो जाता है र हो जाता है, कब, यदि अहन के बाद क्या हो असुप, क्या हो असुप, अहन हो उसके तुरंत बाद क्या हो असुप हो, यानी सुप प्रत्यय से भिन्न कुछ हो। सुप मतलब आप जानते हैं सु औजस अम औष टाभ्यांभिस गेभ्यांभ्यस इत्यादि जानते हैं ना, तो अहन के बाद क्या हो असुप हो, यदि मैं थोड़ा सा मोटे अक्षरों में लिख देता हूं, पहले होना चाहिए क्या अहन, उसके तुरंत बाद होना चाहिए सुप से भिन्न, यानी असुप। तो अहन में जो न दिखाई, अहन के स्थान पर रह हो जाता, पूरे अहन के स्थान पर रह हो जाता है, पर अहन जो है ना वह षष्ठ्यंत निपात किया गया है, उसको वैसे ही कर दिया गया है। अहन का मतलब अहन के स्थान पर रह होता है, षष्ठी स्थान से योगा से षष्ठी से आदेश हो रहा है, तो पता चलेगा कि वह जो एक वर्ण वाला आदेश हो रहा है तो वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा, है ना। अलोन्त्यस्य अलोन्त्यस्य नियम के आधार पर यह जो आदेश होगा र, वह र अहन के अंतिम वर्ण न के स्थान पर होगा, ठीक, अहन के अंतिम वर्ण न के स्थान पर हो जाएगा र, क्या हो जाएगा र। यहां देखिएगा रो सुपी में जो दिखाई पड़ रहा है र असुपी, ऐसा मत समझिएगा कि यहां रू है, र असुपी है, र मतलब रेफा र हो जाता है, कब, यदि असुप हो, सुप से भिन्न पर प्रत्यय, सुप से भिन्न कुछ भी हो। तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं, देखिए
अहन और अहन 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 हो जाएगा अहन धन अहन दिन दिन ऐसा अर्थ होता है। अब देखिएगा कुछ बातें हैं, अहन है और फिर उसके बाद दोबारा फिर अहन है, अहन अहन होगा और गले में कुछ फंस रहा है। न के स्थान पर हो जाएगा तुरंत बाद में अशुभ है ना, शुभ तो है नहीं, तो न के स्थान पर हो जाएगा र, आहार आहार। यहां भी आप र करके आहार आहार बना दीजिएगा, र का विसर्ग कर लीजिएगा, खराब आसान है विसर्जनीय से, ठीक। तो ये विसर्ग हो जाएगा, यह आहार आहा ऐसा वाला बन जाएगा, ठीक। और ऐसे ही अन्नाम गण, दिनों का जो गण है अहन है और उसके बाद है गण। अब ये बताइए गण क्या सुप है, गण कोई सुप प्रत्यय है नहीं ना, तो अहन के बाद असुप आ रहा है तो अहन के अंतिम वर्ण न के स्थान पर रुआ कर देता है। यह सूत्र केवल अहन शब्द के लिए बना है, केवल अहन शब्द के अंतिम वर्ण न के स्थान पर र करने के लिए बना, बस अहर गणा, बाकी और कोई काम नहीं कर। अच्छा अब एक चीज और देख लीजिए, थोड़ा सा और इसमें बात है जो यहां पर दिखाते हैं आपको, यहां देखिएगा है क्या, अहन शब्द है ठीक, शब्द क्या है अहन। अब इस अहन शब्द जो नपुंसक लिंग है, सुनिएगा, अहन शब्द मान लीजिए नपुंसक लिंग है, तो इस नपुंसक लिंग शब्द के बाद प्रथमा विभक्ति का एक वचन प्रत्यय लगाया हमने सुप, सु ठीक है, सु लगा दिया। अब इसके बाद सु में से बचेगा क्या, पूरा सु लुप्त हो जाएगा, समोर नपुंसकात, नपुंसक लिंग शब्द के बाद आने वाला सु और अम लुप्त हो जाता है, बचा खाली अहन। अब यहां भले सुप प्रत्यय था पर लुक हुआ है, उसका लुक हुआ है तो उसके तुरंत बाद अब सुप नहीं है मानना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम होता है ना, न लुमतांगस्य, लु हुआ हो, श्लु हुआ हो या लुप हुआ हो तब तो प्रत्यय लक्षण नहीं माना जाएगा, तो यहां सुप नहीं है, तो रो सुपी से यहां भी न को हो जाएगा र, ठीक, बनेगा अहर और इसका प्रथमा एक वचन वही आह बन जाएगा, आह ठीक है। ऐसे ही किसी व्यक्ति का रात में रूप में देखते हैं ना, किसी व्यक्ति का रात में रूप देखते हैं तो अलग दिखाई पड़ता है, दिन में रूप देखते हैं तो अलग दिखाई पड़ता है, अहनी रूपम, दिन में जो रूप देखते हैं वो रूप कैसे दिखाई पड़ता है, और रात में जो रूप देखते हैं वो रूप कैसे दिखाई पड़ता है, दोनों रूपों में अंतर है कि नहीं, है ना। तो दिन वाला रूप अगर वर्णन करना हो, दिन वाला अगर उसका रूप देखना हो तो क्या बनेगा, हाँ अहन धन रूप हो मान लीजिए, समास होने के बाद बचेगा क्या, अहन है और रूप है। अब यहां क्या देखिएगा, होगा क्या पता है, ये लेकिन यहां पर ये प्रसंग नहीं चलेगा, यहां पर एक वार्तिक आ जाएगा, रूप
रूप रात्रि रथंतेषु रुत्वम वाच्यम। ठीक, यहाँ रूप है तब र नहीं होकर रुत्व हो जाएगा। ठीक, और रुत्व हो जाएगा तो अब देख लीजिए, अभी बता देते हैं। अहन रूप है, यहाँ र न होकर रू हो जाएगा। अब आप कहेंगे रू करोगे तबो र बचेगा, र करोगे तबो र बचेगा, तो रू करने की क्या आवश्यकता बच गई, वो अभी हम बता देते हैं, आप समझ में आ जाएगा। अहर रूप, ठीक, रू में से भी बचेगा क्या, रू में से बचेगा क्या, र बचेगा ना। आप कहते अहर रो सुपी से सीधे रू कर देते तब ही काम चल जाता, र कर देते तो भी काम चल जाता है ना, रो सुपी से सीधे र करते तो भी ऐसे ही रूप बनता, और रू किया तो भी ऐसे ही बना। नहीं भाई, रू करेंगे तब ये रू है और र करेंगे तो ये र है, रू और र में अंतर होता है। रू होगा तो आपको ध्यान होना चाहिए पहले अवर्ण हो, उसके बाद रू हो, उसके बाद हश हो, तो हसी चे इस रू के स्थान पर हो जाता है ऊ। र के स्थान पर तो ऊ नहीं होता, पर रू के स्थान पर ऊ करता है, है ना, तो ये ऊ कर देगा जब। ए प्रभु, कभी कभी कुछ कीड़ा बैठा रहता है इस पर तो ये मिटाना भूल जाते हैं, लेखनी का काम करते हैं। र के स्थान पर हो जाएगा ऊ, अह ऊ रूप, अहो रूपम, ठीक, अहो रूप ऐसा बने, अहर निशम वहां, अहो रात्रि, अहो रात्रि, ठीक, अहंच रात्रिश्च, अहन रात्रि, अहो रात्र बनता, ठीक है। न का रू होता है, र नहीं होता, रू होता है, और रू होता है उसको ऊ हो जाता है, ठीक। पर सामान्यता रूप रात्रि और कुछ एक और शब्द है जहां पर रुत होता है, रूप रात्रि और रथंतर, ठीक, रूप रात्रि रथंतेषु, तो ये तीन शब्द होंगे तब तो र न होकर रू हो जाएगा। अन्य कोई असुप है तो अहन के न के स्थान पर हो जाएगा र, ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो अहश्च निशाच, ये देख लीजिए, अहन है, उसके बाद क्या है, निशा, ठीक है, अहन है और निशा। अब इसके बाद ना को रोसुपी से रूप हो जाएगा कि नहीं, रहा आहार निशा बन गया, रोसुपी हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि समाहार द्वंद्व है, दिन और रात्रि का समूह समुदाय है, समाहार द्वंद्व हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, सनपुंसकम, सनपुंसकम एक ऐसा सूत्र है, उस सूत्र से इन दोनों शब्दों का जो समास हुआ है वह नपुंसक लिंग में प्रयोग हुआ है। तो अहर निशा जो बना, बना क्या, अहर निशा, ये र इस पर चढ़ गया और अहर निशा बना, नपुंसक लिंग शब्द बना, और नपुंसक लिंग में शब्द का अंतिम वर्ण यदि दीर्घ दिखाई पड़ता हो तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य उसको ह्रस्व कर देता है। तो अहर निश, अहर निशम, अहर निशौ, अहर निश, नहीं अहर निशम ऐसा बनता है, अहर निशम, अहर निशे, अहर निशाण, ऐसा चलता है ना समुदाय, लेकिन समुदाय में एक ही वचन में ही होता है, एक वचन में ही प्रयोग होता है, अहर निशम खाली एक वचन में ही प्रयोग होगा, ठीक, नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा। अभी बताया कि नपुंसक लिंग हो जाएगा, समाहार द्वंद्व चाहे जो होता है वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये अह, ये कौन हमने पढ़ लिया, रोसुपी, ठीक है, रोसुपी तक देख लिया, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, अहर अहर अह और अहर गणा, ये दो उदाहरण भी आपने समझ लिया है। अब जरा सा इसको देख लेते हैं, भो, हाँ ये देख लीजिए, नंबर लिखा हुआ है तीनों का अर्थ, भो देवा, भगो नमस्ते और अघो याही, 7-8 नंबर देख लीजिए, भगो मतलब भगवान,
भगो का मतलब क्या होता है? भगवन। और अघो का मतलब है अघवन। अघवन का मतलब पापी। अघो को नमस्ते कर रहे थे हम, बड़ा गड़बड़ कर रहे थे, है ना? अघो यार भाग यहां से, भाग पापी यहां से, है ना? अघो, अघो एक ऐसा निपात है जिसका तात्पर्य होता है पाप परायण, पापी। ठीक है, तो इतनी बात स्पष्ट है। आगे इतना इतना पे ही रोकते हैं आज। इसके बाद जो सूत्र है ना, रोसुपी के बाद रोरी, रलोपे पूर्व से दीर्घोणा, ये दोनों समझने के बाद विप्रतिषेधे परम कार्यम तक का कल समझेंगे। ठीक है, सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।